भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे रियल पार्ट ए को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ओके, फिर ए को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ए को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बी क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं भैया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं बाबू बी। ठीक, यहाँ पे ए और बी दोनों ही रियल नंबर होते हैं, दोनों ही नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी आयोटा, दिस आई बी इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट एंड ए इज योर रियल पार्ट। ठीक, कोई भी दो रियल नंबर, मान लो एक जेड वन है, जेड वन है ए वन प्लस आई बी वन, जेड टू है ए टू प्लस आई बी टू, कोई कह देता है कि Z1 बराबर Z2, ठीक है, किसी ने यदि कह दिया कि Z1 बराबर Z2, ये तब बराबर होता है जब रियल रियल पार्ट आपस में बराबर हो, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, मतलब A1 बराबर A2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, मतलब B1 बराबर B2। ठीक है भैया, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं जब उनके रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं भैया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक जेड वन है एक जेड टू है तो इनमें से कौन आपस में बड़ा है, इनके बीच में कोई रिश्ता हम नहीं रह सकते, लेस देन और ग्रेटर देन का रिश्ता नहीं होता, इनइक्वलिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई सेंस नहीं होता, मतलब ये नॉनसेंस बातें होती हैं। ठीक है, अच्छा दुनिया के हर नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, दुनिया के हर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, तो रियल पार्ट को भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो सी से प्रिंट करें, तो जैसे कि ए प्लस आई बी है, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर लिखना है बी अगर जीरो हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए, ए मतलब रियल, ए मतलब रियल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रियल भी हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रियल ऑल्सो। ठीक है, तो सुनो, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है भैया, इन सब बातों को हम लोग जानते हैं। ठीक, इन सब बातों को हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू, अच्छा आगे बढ़ूंगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। लिखिएगा एलजेब्रिक ऑपरेशन, एलजेब्रिक ऑपरेशन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एलजेब्रिक ऑपरेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत लंबा टाइम नहीं जा रहेगा, बहुत ही सिंपल सा है, हमको मालूम है एडिशन करना है, अगर तो अगर मान लो Z1 है A1 प्लस IB1, और अगर Z2 है A2 प्लस IB2, तो Z1 प्लस Z2 क्या होता है, रियल रियल पार्ट को ऐड करते हैं, A1 प्लस A2 और I कॉमन करते हैं, फिर इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं, दिस इज द सम। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो यहाँ पे ये माइनस होता, यही अंतर होता है भैया। ठीक है, अगर Z1 into Z2 करते हैं भैया तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली क्या डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाते हैं, तो A1 into A2, A2, A1 A2, और A1 I आपका आता है I, A1 B2, फिर I, I B1 A2, फिर आई 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 स्क्वायर बी वन बी टू, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन होता है, क्या आपका होता है ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, फिर प्लस आई कॉमन कर लेंगे तो ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन। ठीक है भैया, मतलब रियल रियल पार्ट का मल्टीप्लाई इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई नेगेटिव टाइम्स, ये आपका होता है प्रोडक्ट में, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा और दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर भी लेते हैं एग्जाम में।
डिवीजन क्या होता है, एज सच कोई डिवीजन बना नहीं है। जैसे जेड वन अपॉन जेड टू कोई कहता है तो क्या होता है बेसिकली, बेसिकली आपका आता है ए वन प्लस आई बी वन, ए टू प्लस आई बी टू। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का कोई रूल नहीं बना है, तो हम इसके नेगेटिव पार्ट से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मान लो ये ए टू माइनस आई बी टू से ऊपर और ए टू माइनस आई बी टू से, ए टू माइनस आई बी टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट योर डिवीजन, दिस इज व्हाट अबाउट योर डिवीजन। कुछ रिमार्केबल बातें हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। रिमार्केबल बातें क्या है, वो ये है कि अगर 1 प्लस आई को 1 माइनस आई से डिवाइड करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ध्यान देना, इसका रिजल्ट आता है आई। ठीक है, इसका रिजल्ट आता है आई, इसको याद रखना, करके आप देख सकते हो, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है बाबू, अच्छा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारे लोग बताइए। समय है 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड में गिव मी द आंसर फटाफट। 1 बाई आई तो हो गई, उसको और कोई तरीका, माइनस आई, वेरी गुड, 1 बाई आई, 1 बाई आई मतलब माइनस आई। ठीक है, माइनस आई, इसको याद रखेंगे, ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस आई, ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस आई, ऐसे याद रखना। डायरेक्ट ये सब यूज होते हैं आपके एग्जाम में, मतलब कैलकुलेशन में यूज होते हैं, तो अगर याद रहेगा तो हम लोग जल्दी कर लेंगे, बस मुद्दा ही होगा। आज का दिन थोड़ा सा वैसा वैसा है क्या, वैसा वैसा मतलब लेजी लेजी टाइप का, क्यों ना, हाँ क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है आज का मौसम थोड़ा सा लेजी लेजी टाइप का, पता नहीं क्या खींचे पड़े हैं। अच्छा ये पता नहीं क्या, ये जीवन में और कुछ भी अच्छा होता है, काश हम लोग अच्छे रनर बने होते हैं, धावक या क्रिकेटर बने होते हैं, तो कम से कम फील्ड में काम कर रहे होते हैं। सबसे आसान काम क्या मालूम है, सबसे आसान काम है अच्छे से पढ़ाई कर लेना, इन सब में तो बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, तो खैर अपना काम सबको कठिन लगता है, तो हम लोग को लग रहा है कि यार इतना पता नहीं क्या, जब देखो बचपन से लेके इतने बड़े हो गए खाली पढ़ ही रहे हैं, पता नहीं कब छूटेगा। तो छूटेगा और जल्दी छूटेगा, ऐसा ध्यान देंगे हम लोग। आज की जनसंख्या बता रही है एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर जेई मेंस, आज की जनसंख्या बता रही है एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर जेई मेंस। चलिए गौरव जी कहाँ हैं आज, बात करना उससे अकेले। अच्छा क्वेश्चन नहीं। अभी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है कि एक कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ठीक है भैया, ये सब बातें हमको मालूम है। जैसे हमको मालूम है जेड वन प्लस जेड टू, चाहे जेड टू प्लस जेड वन बाद एक ही होती है, ये कम्यूटेटिव होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है। जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, या पहले जेड टू और जेड थ्री को जोड़ दो उसके बाद जेड वन जोड़ो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं एक टर्म आपका आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एक टर्म आपका आता है बाबू एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जोड़ो जिसको जोड़ने में कोई फर्क ना पड़े, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब, हाँ मतलब ऐसी वैल्यू जोड़ो जिसको जोड़ने में कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लो जेड है, इसमें क्या जोड़ने की कोई फर्क ना पड़े, तो जीरो, जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दिस नंबर ऑल्सो। ठीक है, एक आता है एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसे वैल्यू को जोड़ो जिसको जोड़ने से जीरो हो जाए। तो जेड में क्या जोड़ें, माइनस जेड जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस जेड इसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस जेड इसका एडिटिव इनवर्स है भैया। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स के बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपने नाम सुना होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा इसकी जो ये हाँ ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी काम आता है, ठीक है भैया। चलिए देखिए ध्यान दीजिए कुछ, एक एक मिनट माफ कर लेंगे, सॉरी सॉरी। आगे बढ़ा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है भैया। चलो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बात करूं, शक्ति दे हे माँ, शक्ति दे हे माँ, शक्ति दे माँ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ भैया कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो जेड वन जेड टू चाहे जेड टू जेड वन बात एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जेड वन मतलब कि जो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है भैया, और ये एसोसिएटिव भी होता है। मतलब बोलने का Z1, Z2, Z3 में पहले आप Z2, Z3 मल्टीप्लाई करो, या Z1, Z2, Z3 में पहले आप Z1, Z2 मल्टीप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसके केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है मतलब ये कि ऐसे ही को मल्टीप्लाई करो तो पहचान न खोए। तो Z में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में Z मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू Z ही रहता है, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हियर, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भैया, ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू वन में जाए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसा आप लोगों ने रियल नंबर में भी पढ़ा होगा, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये सेम एज रियल नंबर होता है, ठीक है। जैसे रियल नंबर में होता है वैसे इसका भी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका जेड का वन अपॉन जेड होता है, जिसकी वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है भैया। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो जैसे मान लो जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Z into अगर Z1 plus Z2 करना पड़ेगा तो Z will be distributed, Z Z1 plus Z Z2, ठीक है भैया। ये रही छोटी सी बात अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इसको लिख लो फिर आगे पढ़ें, एक मिनट ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकेंड। एक्स और वाई का हमने दिया क्योंकि हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग एक्स और वाई की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स को हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। वाई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं। इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग आर्गंड प्लेन के नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका, है आर्गंड प्लेन कहते हैं इसको। ये सब बातें हम लोग क्लास 11th में एक बार जरूर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आर्गंड प्लेन कहते हैं हम लोग इसको। सेम बात है, क्वाड्रेंट वगैरह सेम होता है, बस रियल एक्सिस ये है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब वाई को यहाँ पे से इमेजिनरी है, वाई इमेजिनरी पार्ट है। कोई कह दे कि जैसे कि मान लो यही अगर यहाँ से एक्स चले यहाँ से वाई चले, ये भी कोऑर्डिनेट है आपका एक्स कॉमा वाई, तो ये जो ओरिजिन से ये जो एड्रेस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका जेड होगा। जेड बोले तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ। यहां से यहां तक की दूरी एक्स है, यहां से यहां तक का जो हाइट है वो क्या है, वाई है, तो ये कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड जेड का मतलब क्या होगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि कोई जेड है x प्लस आई वाई तो उसका मॉड क्या होता है, मॉड आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है।
ये वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो से मतलब नहीं, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, नेगेटिव नहीं लिखना, ठीक है बाबू। दिस इज व्हाट योर आर्गन प्लेन, मॉड जेड गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट पी की दूरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ज्योमेट्री में हम लोग डिपेंड करते हैं, ज्योमेट्रिकल नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें आना चाहिए। तो ठीक है, इतनी बातों को हम लोग जान लिए, अभी मॉड पे हम लोग बातें करेंगे, मॉड की पूरी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि व्हाट इज इट्स कंजुगेट, इसके कंजुगेट के बारे में जानते हैं। सर हाँ बोलो सर, जिस प्लेन में बन रहा है मतलब वो इमेज, उसी को आर्गन प्लेन कहते हैं ना। वेरी गुड, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, सॉरी, जिस प्लेन में वो इमेज बन रही है एक्स वाई की, उसी को आर्गन प्लेन कहेंगे ना। बोले तो ये पूरा प्लेन आर्गन प्लेन है, ये जो ब्लैक स्क्रीन है इस समय, ये आर्गन स्क्रीन है, तो इस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, ऐसे समझो। ठीक से, ठीक है भैया, ठीक से। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की बात करें, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, अगर z है आपका x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से प्रिंट करते हैं, ठीक है, z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका मतलब होता है इमेजनरी पार्ट को ना आप माइनस से रिप्लेस करते हो, इमेजनरी पार्ट को आप माइनस से रिप्लेस करते हो, बस इसका इतना ही मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, जैसे मैं बात करूं तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो हमको, तो अगर हमको वो जेड बार को रिप्रेजेंट करना है भैया, तो हमें क्या, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स कदम चलो, मतलब यही यही दूरी, अब इस बार वाई नहीं चलना है मतलब ऊपर नहीं, इस बार माइनस वाई जाना है, माइनस वाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे आ जाओ, जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे आ जाओ, दिस इज व्हाट योर माइनस आई माइनस वाई, सो दिस इज योर जेड बार, दिस इज व्हाट योर, अगर ये जेड था, ये क्या है आपका पी डैश, इसका नाम है जेड बार, इस पॉइंट का नाम है पी डैश मतलब जेड बार, ठीक है, लेंथ सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड बार भी मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है, तो दिस इज योर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो कंजुगेट समझने के लिए हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था, इसलिए हमें पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया। बोले कहानी समझ में आई आप लोग को, सबको कंजुगेट कैसा होता है? यस सर, यस सर, हां ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके 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 ओके, चलिए तो अब आती है इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तड़कता भड़कता ज्वाला शोला, वो बात क्या है सर जरा बता दो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स बोले तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ हाँ ठीक है, ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भैया, बड़े ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम मान लेंगे तीन बातें, क्या कि z लिखूं, z1 लिखूं, z2 लिखूं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझना, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है इसकी भैया, कि हमें मालूम है चाहे z लिखें चाहे z बार लिखें, दोनों का मॉड बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा सर ठीक है, दूसरी बात क्या बाबू, अगर z बार है और इस z बार का फिर से एक बार ले लोगे तो वापस से z बन जाता है, ठीक है, कंजुगेट और कंजुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे z है आपका, क्या मान लो z है आपका x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी लिख लेते हैं हम लोग, तो a प्लस आई बी लिख लेते हैं, a प्लस आई बी, जेड बार क्या होगा,
ए माइनस आई बी। तो कोई ये बोले आपसे कि z प्लस z बार क्या होगा, जब जोड़ोगे बेटा तो देखो i वाला पार्ट कट जाएगा, a प्लस a 2a आएगा, 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बोलिए। हाँ z माइनस z बार क्या आएगा, जब घटाओगे घटाओगे तो देखो घटाओगे तो a a कट जाएगा, ib ib 2ib, 2 टाइम्स ib आएगा, ठीक है। क्या आएगा 2 टाइम्स ib मतलब 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2i टाइम्स, i मिस हो गया, 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। प्रॉपर्टी को हम लोग रिज्यूम करेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिज्यूम करेंगे भैया, नेक्स्ट मीटिंग में रिज्वाइन करिए, सेम लिंक पे रिज्वाइन करिए सारे लोग। एंड कर रहा हूँ।